इसी बीच आपको लखनऊ से एक बड़ी खबर बता देते हैं। योगी सरकार का बड़ा एक्शन, जी हां, लापरवाही को लेकर एक बड़ा एक्शन योगी सरकार का। आम लोगों की शिकायत न सुनने पर बड़ी कार्रवाई होगी। जिलों में रहकर काम नहीं करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। 35 जिलों के 73 अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। 3 एडीजी, 5 आईडी, आईजी, डीआईजी, 10 एसएसपी से जवाब मांगा गया है। 5 कमिश्नर है, 5 विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष को नोटिस भी भेजा गया है। जो लापरवाही की गई है उसको लेकर 10 तहसीलों को नोटिस जारी कर दिया गया है। स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। सीएम योगी ने परफॉर्मेंस के आधार पर ये लिस्ट तैयार कराई है। मंत्री समूह की रिपोर्ट को भी आधार बनाया गया है। सरकारी योजनाओं पर काम नहीं करने वालों पर एक्शन की तैयारी अब हो रही है। नोटिस किन्हें किन्हें मिला है ये इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अजीत का सीधा रुकर है। अजीत, क्योंकि सीएम योगी ये पहले ही क्लियर कर चुके हैं, लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी और जनता की समस्या को बिल्कुल किनारा ना किया जाए, इसीलिए अब एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। जो लापरवाही कर रहे हैं अधिकारी उन पर ये कार्रवाई की जानी है। जिन्होंने जनता की समस्या का वक्त पर समाधान नहीं निकाला उन पर ये कार्रवाई की जानी है। अजीत, लिस्ट तैयार कर ली गई है? देखिए, बिल्कुल अकांक्षा, सही बात आपने कही कि मुख्यमंत्री ने पहले ही साफ कर दिया कि जो काम करेगा वो रहेगा, जो काम नहीं करेगा उसे बाहर का रास्ता देखना होगा। आपने देखा कल यूपी की ब्यूरोक्रेसी में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल हुआ और बड़े बड़े टॉप लेवल के अफसरों को हटाया गया। तो निश्चित तौर पर 73 ऐसे लोग हैं जिनकी सूची बनी है। 35 जिले, मैं आपको बता रहा हूं, 35 जिले के जिला अधिकारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया। साथ ही ये 73 अधिकारी हैं, 10 थाना, 10 जो है विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, 5 कमिश्नर, जिला अधिकारी, लेकिन 35 जिलों के अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही। जो नए एसीएस होम, जो नए प्रमुख गृह बनाए गए हैं संजय प्रसाद, उनको उन्होंने कल जो है अपना काम काज संभाल लिया, उनकी तरफ से भी जो रिमाइंडर है वो भेजा गया है। तो निश्चित तौर पर ये मानकर चलिए कि जो जिले में तैनात हैं जनता की शिकायतें नहीं सुन रहे हैं, जो आईजीआरएस पोर्टल है, जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, उस पर जो शिकायतें आती हैं उसका निस्तारण नहीं कर रहे हैं। तो सीएम उसको लेकर काफी नाराज थे। 3 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और ये कहा था कि अब हम किसी को बख्शेंगे नहीं, अब कोई सो काज नोटिस नहीं दी जाएगी, सीधे निलंबन की कार्रवाई की जाएगी, आपको हटाया जाएगा। और आपने देखा होगा कि पिछले 2 महीनों में जिन अफसरों को हटा रहे हैं सीएम, बहुत सारे लोगों को वेटिंग में छोड़ दे रहे हैं। यानी उनका कहना है कि आपको सरकार की मंशा के अनुरूप काम करना है, जनता की समस्याओं को निस्तारित करना, क्राइम और करप्शन पर अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप जिले में नहीं रहेंगे। तो 73 अधिकारियों को नोटिस तो गई है, इसके साथ ही 35 जिले के जिला और जिला अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही कि आपके यहां जो चीजें हैं वो ठीक नहीं है, जो सरकार चाहती है आप उस हिसाब से मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, जो सरकार बार बार सूची मांगती है। आप देखिए, आज महिला अपराध की बात कर लीजिए, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 आया है, जिसमें अपराधियों के खिलाफ सबसे ज्यादा सजा दिलाई, यानी महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों को सबसे ज्यादा सजा दिलाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो गया। तो सीएम ने कह दिया है कि अब हर जगह वो ग्राउंड जीरो पर जाएंगे और अगर कोई कमी मिलेगी तो सीधे कार्रवाई होगी और थाना अध्यक्ष से लेकर समूह की रिपोर्ट का भी ख्याल रखा गया है, जो कार्यकर्ता हैं उनका भी ख्याल रखा गया है, उनका भी फीडबैक लिया गया है कि क्या वाकई जमीनी हालात कुछ इस तरह के हैं आम जनता के साथ साथ। मैं अभी आपके पास लौट रही हूं। इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। लखनऊ से यह बड़ी खबर है, योगी सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। ये बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको ये बता दें कि सरकारी टूर के बहाने विदेश घूमने वाले अफसरों पर शिकंजा कसने की तैयारी। विदेश जाने से पहले अधिकारियों को कराया जा रहा है होमवर्क। विदेश टूर के बहाने मौज मस्ती नहीं कर पाएंगे ये अधिकारी। सरकारी खर्च बचाने के लिए योगी सरकार ने ये कदम उठाया है, ये बड़ी खबर हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए विदेश जाएंगे अधिकारी। अपने विदेश टूर को लेकर अधिकारी पहले करेंगे सूचित। मुख्य सचिव ने 20 विभागों के एसीएस से इस मामले को लेकर जानकारी मांग ली है। यानी विदेश टूर के बहाने अब मौज मस्ती अधिकारी नहीं कर पाएंगे। अजीत इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अजीत, एक और बड़ा कदम सरकार की तरफ से सरकारी खर्च को बचाने को लेकर। मौज मस्ती नहीं कर पाएंगे अधिकारी अगर आप विदेश टूर पर जा रहे हैं तो।
देखिए बिल्कुल आकांक्षा, और इसीलिए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सभी विभाग के जो ACS हैं उनसे रिपोर्ट मांगी, क्योंकि अब 10 लाख करोड़ के निवेश को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के अलग अलग विभाग के अधिकारी विदेशों में जाने वाले हैं। 17 देशों में रोड शो होना है इन्वेस्टर समिट को लेकर। अब ACS ने से जो रिपोर्ट मांगी है मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने साफ कर दिया कि आप विदेश जाएंगे तो उसके पहले होमवर्क करेंगे, एक रोड मैप तैयार करेंगे कि आप मान लीजिए जापान जा रहे हैं तो कहां कहां जाएंगे, किससे किससे मिलेंगे। सरकारी खर्चे पर आप पैटर्न नहीं कर पाएंगे कि आप जापान गए अपने सरकारी खर्चे पर और घूम रहे हैं। आपको जो काम निर्धारित किया गया है, जो आप जिस काम के लिए जाएंगे उसका बकायदा एक रोड मैप तैयार होगा। और सभी जो ACS हैं 20 विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं उनसे उन्होंने रिपोर्ट मांगी कि आप बना कर दीजिए कि किस किस दिन कौन कौन सा अधिकारी किस देश में जाएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो सिंगापुर से हो रही है आकांक्षा। तो सिंगापुर में जो अधिकारी जाएंगे, दुबई में जो जाएंगे, जापान जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, यूके जाएंगे, तो उनको अपनी एक रिपोर्ट बनाकर देनी होगी। अब सरकारी खर्च पर आप अगर जाते हैं तो सिर्फ सरकारी काम करेंगे आप, ऐसा नहीं कि आप सरकारी खर्च पर जाइए और वहां दो मीटिंग करिए उसके बाद दूसरी जगह घूमने चले जाइए, तो ये काम इस बार नहीं कर पाएंगे। और ये खर्च बचाने की कवायद तो वही है, लेकिन इसके पहले भी बहुत सारा समाजवादी सरकार में आप देखिए गोमती रिवर फंड को लेकर जब जांच हुई तो पता चला कि 70 करोड़ रुपए सिर्फ आने जाने में खर्च कर दिए गए एक जो फाउंटेन लाने को लेकर, तो इसलिए उस पर पहले ही लगाम कसी जा रही है। और खुद दुर्गा शंकर मिश्र ने जो चीफ सेक्रेटरी हैं यूपी के आकांक्षा, उन्होंने पूरी कमान संभाल रखी और 20 विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं जो प्रमुख सचिव हैं उनसे रिपोर्ट मांगे कि आप पूरा खाका बनाकर दीजिए कौन कौन अफसर कहां जाएगा, क्या क्या काम करेगा और क्या उसकी रूपरेखा होगी, तो जवाबदेही पहले ही तय की जा रही है आकांक्षा। ठीक है अजीत, शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए।